बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियर डिजाइन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको सुपर एलिवेशन के मुताबिक बताऊंगा उसके स्लोप कैलकुलेशन को आप कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मेरा चैनल सर्विंग इंजीनियर डिजाइन इंफॉर्मेशन ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फाइल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा, आप उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं स्टार्ट स्टेशन, स्टार्ट सुपर एलिवेशन है, उसके बाद एंड स्टेशन है येलो कलर का, उसके बाद एंड सुपर एलिवेशन है। ये येलो सेल के अंदर आपने ये जैसे डेटा अपना आरडीज और उसकी स्लोप को फिल करना है और नीचे रिक्वायर्ड स्टेशन के ऊपर आप इधर डेटा देंगे जो सभी, तो उधर नीचे आपकी स्लोप परसेंटेज के ऊपर इसकी आ जाएगी, कैलकुलेशन हो गया। तो ये इस प्रोग्राम के एक मुकम्मल प्रोग्राम है, इसके मुतालिक मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ कि आपने इसके अंदर कैसे डेटा इनपुट करना है और कैसे ये प्रोग्राम रन करेगा। तो इससे पहले मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने ऑटो कैड का सुपर एलिवेशन का एक ड्राइंग बनी हुई है जिसकी वीडियो मैं पहले आपको बना चुका हूँ पूरी डिटेल के साथ, आप मेरे चैनल के अंदर सुपर एलिवेशन की वीडियो के अंदर ये देख सकते हैं। तो अब ये देख सकते हैं सबसे पहला नॉर्मल क्राउन जो आपके पास स्टार्ट स्लोप होगी -2.5% या 2%, उसके बाद इसने आस्ता आस्ता अपनी मुख्तलिफ आर्डीज के ऊपर प्लस होते जाना है, जीरो पर जाना है और ज़ीरो के बाद इसने मैक्सिमम अपनी सुपर एलिवेशन के ऊपर चला जाएगा। 6% है, 7% है, 4% है, जितनी भी स्लोप, उसके बाद आगे ये मैक्स सुपर एलिवेशन का एरिया आ जाएगा। तो ये जो आपके पास स्लोप वाला एरिया आ रहा है, इसकी आपने ये प्रोग्राम के ऊपर कैलकुलेशन आपको करके बताएगा ये आपका, कि आपने जैसे स्टार्ट आरडी दे देनी है जैसे आपका नॉर्मल क्राउन स्टार्ट हो रहा है, और इसी तरीके से एंड आरडी जिधर आपके पास मैक्स सुपर एलिवेशन जा रहा है तो वो आपने इधर इनके ऊपर इनपुट करना है डेटा उसके हिसाब से, और नीचे रिक्वायर्ड स्टेशन के ऊपर ये आपकी कैलकुलेशन वगैरह कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो नॉर्मल क्राउन है जैसे सुपर एलिवेशन स्टार्ट हो रही है वो 0+270 वाली आरडी है, तो आपने इधर 270+ आरडी आपने इधर एंटर कर देनी है, और स्टार्ट में जो आपके पास स्लोप जा रही है -2.5% वो आपने इधर से उसी आरडी के ऊपर उसकी स्लोप इधर दे देनी है, ये 2.5% लिखा हुआ है। और उसके बाद जो मैक्सिमम हमारे पास सुपर एलिवेशन का स्टेशन है वो 0+440 है, तो आपने इधर से इसी तरीके से उसके जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है वो 6% है, तो आपने इधर इसी तरीके से एक्सेल के ऊपर आ जाना है दोबारा, और इधर जो आपके पास एंड आरडी है वो 440 वो आपने इधर इंटर कर देनी है, और इधर से जो मैक्सिमम स्लोप थी 6% प्लस के ऊपर वो आपने इधर ऐड कर देनी है। तो ये आपने इसी तरीके से स्टार्ट स्टेशन और उसका स्लोप और इसी तरीके से एंड स्टेशन और उसकी स्लोप आपने इधर इंटर कर देनी है, तो ये आपका इनपुट डेटा हो जाएगा येलो सेल के अंदर, आपने इसको इनपुट करना है, उसके बाद ये रिक्वायर्ड स्टेशन आ जाएगा, जिसके बाद आपने इसी तरीके से इसके मुख्तलिफ जिधर जिधर जो भी डिस्टेंस आप देंगे उसके ऊपर जो उसकी स्लोप जा रही है वो ऑटोमेटिकली इधर से कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी। जो जो सी भी आरडी आप इधर से इंटर करते जाएंगे 0+270 के बाद और मैक्सिमम आरडी हमारे पास 440 है उसके अंदर, तो ये आप 270 आपने ऐड कर दिया, उसके बाद नीचे रिक्वायर्ड स्टेशन के ऊपर आ जाएंगे। हम सबसे पहला स्टेशन देते हैं 270 का, तो आप देखेंगे इधर आपके पास स्लोप -2.5% की आ जाएगी जो कि उधर हमारे पास ऊपर लिखी हुई है उस आरडी के सामने 0+270 वाली आरडी के ऊपर। तो आपने इधर से इसी तरीके से ये स्लोप आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो उन सभी डिस्टेंस आप देना चाहते हैं आपने 0+270 से आगे वाला डिस्टेंस देना है। 280 के ऊपर जाएंगे तो नीचे आपकी स्लोप कैलकुलेट होकर आ जाएगी, 290 के ऊपर जाएंगे तो इसी तरीके स्लोप चेंज हो जाएगी 300 के ऊपर। तो ये आप जो सभी डिस्टेंस के ऊपर आरडी का आप देते जाएंगे नीचे आपकी स्लोप कैलकुलेट होकर आती जाएगी, जिसकी मदद से आप अपना सुपर एलिवेशन का डेटा वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इधर 380 400 के ऊपर 4% आ गई है, 420 के ऊपर 5% और 440 जो हमारी लास्ट आरडी है उसके ऊपर आप इंटर करेंगे तो ये 6% के ऊपर ये आपको उसकी स्लोप उस एरिए की स्लोप कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये इस तरीके से आपने डेटा स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन आपने उसकी स्लोप और उसकी आरडीज वगैरह अगर दे देनी है, तो उसके बाद आपने नीचे रिक्वायर्ड स्टेशन के ऊपर जो सभी आप आरडी देते जाएंगे उसकी स्लोप ये नीचे कैलकुलेट करता जाएगा प्रोग्राम। इसी तरीके से आप आते हैं, ये अगर आपकी राइट साइड की करा हुआ है तो ये आपने सबसे पहले ऊपर जो हमारे पास मैक्सिमम ट्रांजिशन वाला था वो एरिया देना है, उसके बाद आप लेफ्ट साइड के ऊपर जो एरिया आएगा रिवर्स क्राउन वाला, इधर आपके पास 370 की सपोज मेरे पास इधर आरडी आ रही है और इधर हमारे पास स्लोप -2.5% की है, उसके बाद 3%, 5% और मैक्सिमम स्लोप पर एलिवेशन -6% है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये आपने आरडी इसी तरीके से इधर इंटर कर देनी है 370 वाली जिधर से आपके पास उसकी स्लोप स्टार्ट हो रही थी, और उसके बाद उसी तरह उसकी
सुपर एलिवेशन की स्लोप आप एंटर कर देंगे, उसके बाद मैक्स सुपर एलिवेशन 0+440 हमारे पास है, उसके आगे ये सारा मैक्स सुपर एलिवेशन वाला एरिया जा रहा है +6 और -6 का। तो आपने ये वाली आर डी 0+440 वाली आर डी जो है वो दे देनी है और स्लोप आपने उसके साथ -6% की इधर ऊपर ऐड कर देनी है। उसके बाद आप ये देखेंगे 370 जो हमारे पास स्टार्ट आर डी हो रही थी वो आपने इधर से उसके बाद के स्टेशन आपने इसके अंदर देने हैं। मैं फर्स्ट स्टेशन देता हूँ 0+370, उसके बाद 3+80 तो ये हमारे पास स्लोप इसकी 3% आ जाएगी, 0+400 425% आ जाएगी, 440 के ऊपर जाके -6% इसी तरीके से हो जाएगी। तो ये आप इसी तरीके से इसका डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, स्टार्ट स्टेशन और उसकी स्लोप, उसके बाद एंड स्टेशन और उसकी स्लोप दे देनी है। तो ये दरमियान वाला जितना सुपर एलिवेशन वाला एरिया होगा इस तरह आपका आर डी वाइज जो जो उनसे भी आप आर डी देते जाएंगे उसके ऊपर उसके स्लोप को ये कैलकुलेट करता जाएगा। उसके बाद दरमियान में ये देख सकते हैं ये मैक्स सुपर एलिवेशन का एरिया आ जाता है, और उसके बाद एंड वाली साइड के ऊपर पी टी स्टेशन या जो हमारा पॉइंट ऑफ कर्वेचर होता है उस एंड वाली साइड के ऊपर भी सेम टू सेम यही तरीकाकार होएगा, उधर से आपने उसकी आर डी दे देनी है। इधर आप देखेंगे मैक्स स्लोप आपके 6% आ रही है, उसके बाद जो हमारे पास एंड आर डी होगी वो अलग होगी, तो इधर आपने 1+190 आपने इधर ऐड कर देना है, और उसकी स्लोप जो इधर हमारे पास 6% प्लस के अंदर आ रही है वो सबसे पहले आपने इधर इंटर कर देनी है। इसी तरीके से एंड स्टेशन इस उसी पोर्शन का हमारे पास पीटी साइड वाली साइड के ऊपर मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, इधर हमारे पास एंड स्टेशन आ रहा है 1+360 का, और इधर स्लोप है -2.5% की। तो आपने इसी तरीके से इसके अंदर ये जो स्टेशन हमारा 1+360 वाला वो आपने इधर इंटर कर देना है, 1+360 आप इधर इंटर कर देंगे और इधर -2.5% की स्लोप आप दे देंगे। अभी आपने इसी तरह 1+190 से लेके 1+360 तक के दरमियान जितनी भी आपका सुपर एलिवेशन का स्लोप होगा ऊपर आप इसकी जो भी आप इधर आरडी देते जाएंगे नीचे उसका सुपर एलिवेशन की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होती जाएगी। 1+220 के ऊपर 4.5%, 1+240 के ऊपर 3.5%, 1+260 के ऊपर 2.5% वगैरह। इसी तरीके से 1+280 के ऊपर हमारे पास आ जाएगी इसकी स्लोप 1.5%, 1+300 के ऊपर 0.5% की स्लोप आ जाएगी, 1+320 के ऊपर माइनस में अभी आप देखेंगे ये आगे जैसे जैसे आप आते जाएँ ये माइनस के अंदर चली जाएगी, और लास्ट हमारे पास जो स्टेशन था 1+360 वाला वो आप इंटर करेंगे तो आपके पास एंड स्टेशन की स्लोप आ जाएगी इधर 2-2.5% के हिसाब से। तो आपने ये इसी तरीके से जो हमारे पास इसका इनर साइड होएगी उसकी आर डी 1+190 सेम टू सेम वही आएगी जो जो हमारे पास राइट साइड लिखी है, तो ये उसके बाद इसकी जो स्लोप होएगी ये -6% के ऊपर होएगी। इसी तरीके से एंड स्टेशन जो आपके पास होएगा उसको आपने इधर से दे देना है, जो रिवर्स क्राउन जिधर आपका ख़त्म हो रहा है तो ये हमारे पास रिवर्स क्राउन ख़त्म हो रहा है, और इसकी इधर आर डी स्लोप -2.5% की बन रही है, और उसके बाद सारी -2.5% के ऊपर जा रही है, तो हमारे पास इसकी आर डी आ रही है 1+260। तो आपने इधर एंड स्टेशन 1+260 इधर इंटर कर देना है, और उसके पास इसकी जो स्लोप है -2.5% वो इधर आपने ऐड कर देनी है, और उसके बाद इसी तरीके से 1+190 आपने स्टेशन देंगे तो आपके पास -6%, 1+200 देंगे तो -5.5%, 1+220 वाली आर डी के ऊपर इंटर करेंगे तो -3.5, और इसी तरीके से लास्ट वाली आर डी 1+260 एंटर करेंगे तो ये 2.50 का स्लोप आ जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर ये एक्सेल की शीट में आपको इधर रख दूंगा, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इसकी मदद से अपना सुपर एलिवेशन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, या आप इधर से ऊपर इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे इसके ये फार्मूलाज वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं। इसकी वीडियो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये मैंने जस्ट एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था ताकि कुछ दोस्तों को चाहिए था तो आपने इसके अंदर वर्किंग करनी हो तो आप इसको सेव एज कर लें, और सेव एज करने के बाद इसके अंदर अपना काम कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।